गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं विजय कुमार सेन आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, टॉपिक मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि प्रबंध जो है एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक या सर्वव्यापी। जब हमने प्रबंध की विशेषताएं पढ़ी थी, वहां पर भी ये टॉपिक आया था, वहां पर भी हमने इसका अध्ययन किया था कि प्रबंध एक सार्वभौमिक है। और अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं प्रबंध की प्रकृति के अंतर्गत। हमने प्रबंध की प्रकृति पढ़ी और प्रबंध की प्रकृति में कला और विज्ञान को पढ़ा, प्रोफेशन को पढ़ा, और यह भी प्रकृति में शामिल है कि प्रबंध जो है एक सार्वभौमिक या सर्वव्यापी क्रिया है। बच्चों, सार्वभौमिक या सर्वव्यापी का सबसे पहले तो मतलब समझेंगे कि सार्वभौमिक या सर्वव्यापी का मतलब क्या है, फिर उसके बाद बात करेंगे जो लोगों ने इनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, सार्वभौमिक या सर्वव्यापी का मतलब होता है एवरीवेयर, एप्लीकेबल या अप्लाइड, जो सभी जगह पे अप्लाइड हो जाता है, लागू हो जाता है, उसे हम सार्वभौमिक कहते हैं। जो सभी जगह पर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक। तो प्रबंध जो है वो सभी जगह पे सार्वभौमिक है। कुछ लोग कहते हैं सभी जगह पर सार्वभौमिक है, मतलब सार्वभौमिक है, कुछ लोग कहते हैं कि सभी जगह पर लागू नहीं होता। अर्थात इसकी यूनिवर्सलिटी को देकर लेकर के जो स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स के बीच में उनके जो व्यूज हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वो टू टाइप्स की हो रही है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अनफेवर में हैं, कुछ लोग इसके विरोध में हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्सलिटी क्या है। देखो, एनी नॉलेज दैट इज यूनिवर्सली एंड इक्वली एनी नॉलेज दैट इज यूनिवर्सली एंड इक्वली अप्लाई ओवरऑल। कोई भी ज्ञान या ज्ञान की शाखा, ज्ञान की ब्रांचेज, जिसे हम कहते हैं एनी नॉलेज दैट इज यूनिवर्सली एंड इक्वली अप्लाई ओवरऑल, जो सभी जगह पर इक्वल अप्लाई होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल कहेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि सार्वभौमिक का मतलब क्या है, सर्वव्यापी का मतलब क्या है। वह ज्ञान जो सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है, उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी यूनिवर्सलिटी को लेकर के स्कॉलर्स में जो व्यूज हैं वो टू टाइप्स के हैं। नंबर वन इज यस, इट इज यूनिवर्सल। दूसरा कहता है नो, इट इज नॉट यूनिवर्सल। ठीक है, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, जो कहते हैं कि यस इट इज यूनिवर्सल, हाँ यह सर्वव्यापी है। कुछ लोग कहते हैं नो इट इज नॉट यूनिवर्सल, यह सर्वव्यापी नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से थिंकर्स स्कॉलर से कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है। तो सबसे बात पहले बात करते हैं
एफ डब्ल्यू टेलर। जी हां, वही टेलर जिसे हमने प्रबंध के वैज्ञानिक पिता, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं एफ डब्ल्यू टेलर। इन्होंने कहा है कि यस इट इज यूनिवर्सल। और किसने कहा? तो और कहा है थियो हैमन ने। और कहा है थियो हैमन। थियो हैमन जो स्कॉलर है वो भी कहते हैं कि यस इट इज यूनिवर्सल। दूसरे कौन से हैं? एपले नाम के एक स्कॉलर और भी हैं, वो एपले भी कहते हैं कि यस इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल। उसके बाद बात करें तो मैकफॉरलैंड, ये कुछ स्कॉलर्स के नाम मैंने आपको बताए, एफ डब्ल्यू टेलर, थियो हैमन, एपले और मैकफॉरलैंड, ये वो स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि यस इट इज यूनिवर्सल एक्टिविटी, यह एक सार्वभौमिक सर्वव्यापी क्रिया है। दूसरी ओर हम चलते हैं कि नो इट इज नॉट यूनिवर्सल। जो लोग इसके अनफेवर में हैं, जो इसके फेवर में नहीं है, वो कौन कौन है? तो सबसे पहले प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रकर, पीटर ड्रकर। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि पीटर ड्रकर कौन है, इसे मैनेजमेंट में गुरु के नाम से जानते हैं, अमेरिका के रहने वाले। और दूसरे हैं वुडवर्थ, वुडवर्थ जो है, वुडवर्ड कई जगह वुडवर्थ लिखा हुआ है, कई जगह वुडवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। वुडवर्ड जो है वो वुडवर्ड भी कहते हैं कि यस नो इट इज नॉट यूनिवर्सल। अर्नेस्ट डेल, अर्नेस्ट डेल, अर्नेस्ट डेल जो है वो भी इसके फेवर में नहीं है और वो भी इसको यूनिवर्सल नहीं मानते। तो अभी तक तो हमने बात की कि व्हाट इज यूनिवर्सल, एनी नॉलेज दैट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर दैट वी कॉल यूनिवर्सल, जो सभी जगह पर ओवरऑल एवरीवेयर एप्लीकेबल होती है, लागू होती है, उसे यूनिवर्सल कहते हैं। यूनिवर्सल को लेकर के लोगों में, थिंकर्स में, स्कॉलर्स में भेद है, उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। तो एक कह रहे हैं कि फेवर में है, जो कहते हैं फेवर में वो है एफ डब्ल्यू टेलर, थियो हैमन, एपले और मैकफॉरलैंड। जो फेवर में नहीं है वो पीटर एफ ड्रकर, वुडवर्थ और अर्नेस्ट डेल, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने स्कॉलर्स को लिया, अब आगे बात करते हैं कि फेवर में जो कहने वाले हैं उन्होंने किस बेस पे कहा है कि ये यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल एक्टिविटी है। तो आइए चलते हैं उनकी तर्क की ओर, उनके आर्ग्यूमेंट की ओर, जो कहते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, जो कहते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। सबसे पहले लेते हैं फेवर में, जो फेवर में कहने वाले हैं उन्होंने दो बिंदु दिए हमें कि साहब इन दो बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। सबसे पहली बात क्या गई कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बच्चों सबसे पहला वर्ड तो यही आता है कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देखो आपको बता रहा हूं शॉर्टकट में कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग बनती है, फिर प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद स्टाफिंग, फिर उसके बाद डायरेक्शन, फिर उसके बाद कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल हो गया, इसका मतलब हमें टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल के बाद वापस प्लानिंग, तो ये कहलाती है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट, चाहे प्रबंध कैसा भी हो, चाहे प्रबंध कोई सा भी हो, स्कूल का प्रबंध हो,
व्यवसाय का प्रबंध हो या फिर राजनीतिक प्रबंध हो, सामाजिक प्रबंध हो, कैसा भी प्रबंध हो, प्रबंधन जहां भी लागू होगा, मैनेजमेंट जहां भी लागू होगा, सभी जगह पर इसकी प्रोसेस जो है, ठीक है ना, वो सभी में मिलेगी। तो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ मैनेजमेंट। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात क्या कही, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिवर्सिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट The principle of management The principle of management is universally, but to take into account but to take into account the specific circumstance circumstances of the country and The principle of management is universally. The principle of management is universally, but to take into account the specific circumstance of the country and organization. प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सभी जगह पर लागू होते हैं, लेकिन ये प्रभावित होते हैं स्पेसिफिक सर्कमटेंस से। टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक सर्कमटेंस ऑफ द कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो हमने बात की इसके फेवर में, बात करते हैं इसके अगेंस्ट में क्या बात कही गई। जो इसके विरोध में है कि मैनेजमेंट सर्वव्यापी नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, उन्होंने इसके अगेंस्ट में क्या बात कही है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन रॉबिन्स, स्टीफन रॉबिन्स कहते हैं कि There are 5 dozen principles of स्टीफन रॉबिन्स कहते हैं कि भैया मैनेजमेंट के लगभग 5 dozen principles हैं, 60 के लगभग principles हैं, ठीक है। Although most of them apply according to situation, Stephen Robbins कह रहा है कि there are 5 dozen principles of management. Although most of them apply according to situations. But it is not
बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंशन ऑफ एनएफ। देखिए रॉबिन्स कहता है कि देर आर 5 dozen प्रिंसिपल्स, लगभग 5 dozen प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, और ऑल द मोस्ट ऑफ देम जो है लगभग उनमें से ज्यादातर जो प्रिंसिपल्स हैं वो लगभग लागू होते हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम अप्लाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, वो सिचुएशंस के अनुसार लागू होते हैं, बट इट इज नॉट एनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंड ऑन 3 factors। आगे क्या कहते हैं, इंप्लीमेंटेशन implementation of any theory of management is depend on 3 factors। हमने बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टीफन रॉबिन्स, स्टीफन रॉबिन्स कहता है कि देर आर 5 dozen प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लगभग 5 dozen प्रिंसिपल्स हैं, और वो सभी मानते हैं, उनमें से अधिकांश जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लागू होते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात कहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंड ऑन 3 factors, 3 बातों पर निर्भर करते हैं, वो 3 बातें क्या क्या हैं, नंबर 1 कल्चर ऑफ कंट्री, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 फिलॉसफी, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रॉबिन्स कहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंड ऑन 3 factors, और देयर आर 3 factor इज कल्चर ऑफ कंट्री, अरे भाई प्रबंध के सिद्धांत जो लागू होते हैं वो 3 बातों पर निर्भर करते हैं, एक तो डिपेंड करता है कल्चर ऑफ कंट्री, किसी भी देश का जो कल्चर है, ठीक है, वो कैसा है, क्योंकि मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट वहाँ के लोगों के बीच में किया जाता है, लोगों पर किया जाता है, और प्रबंध जो है वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के एनवायरमेंट से इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, तो कल्चर ऑफ कंट्री, और हर देश का कल्चर एक जैसा नहीं होता, हर संस्था का कल्चर एक जैसा नहीं होता। दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था का उद्देश्य एक से नहीं, प्रबंध काम करता है उद्देश्य के अकॉर्डिंग, अभी आगे हम पढ़ेंगे पीटर एफ ड्रकर को, उन्होंने पूरी थ्योरी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में MBO दिया है, और उसमें इसी बात को लेकर के पॉइंट लिखे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स, संस्था काम करती है उद्देश्य के अनुसार, और हर संस्था का जो उद्देश्य होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। नंबर 3 इज फिलोसॉफी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था का जो फिलोसफी होती है, दार्शनिक जो विचार होते हैं, या फिर उसका जो देखने का व्यू होता है, उसकी जो पॉलिसी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, तो हर संस्था की जो फिलोसफी है वो अलग अलग होती है, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लागू होते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, और अकॉर्डिंग टू फिलोसफी, और ये हर संस्था में अलग होती है, तो फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे लागू होंगे, कैसे सभी में समान लागू होंगे, तो ये मानना था रॉबिन्स, पीटर ड्रकर एक्सेट्रा आदि लोगों का।
ठीक है, तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट यूनिवर्सल। तो हमने दोनों पढ़े आर्ग्यूमेंट, और हमने दोनों आर्ग्यूमेंट पढ़े इन फेवर एंड इन अगेंस्ट, पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्क्लूजन की ओर कि सर हम कॉन्क्लूजन क्या कहें। दोनों दोनों थिंकर्स अपने अपनी बात कह रहे हैं और दोनों की बातों में दम है, दोनों की बातें सही है, ठीक है। तो लास्ट में लिखते हैं कॉन्क्लूजन क्या है। तो देखिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, कल्चर, फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव कल्चर एंड फिलॉसफी इन ऑर्गेनाइजेशन। सो इट कैन नॉट अप्लाई इक्वली, इसलिए हमें कह सकते हैं कि ये इक्वली लागू नहीं होता। तो ये तो हमने इसके बारे में बात की। कॉन्क्लूजन क्या कहता है, कॉन्क्लूजन की बात करें तो देखिए मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल बिकॉज वेयर इज ह्यूमन एक्टिविटी वेयर इज ह्यूमन एक्टिविटी देयर इज मैनेजमेंट। But principle of manage meant maybe applied or not। So management is universal but principle is not universal because they change according to time, conditions and situations, so we can say it is not universal। ठीक है, आज इस क्लास को ही पूरी करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।